हेलो गाइस, मैं हूं आपके दोस्त महिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मिक्स माइंड। तो अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोप के इतिहास के बारे में। तो जब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ के इतिहास के बारे में, तो उसमें अगर कोई सबसे पहली चीज़ है जो हमारे दिमाग में आती है तो वो होता है इवोल्यूशन, उससे जुड़ी पहली चीज़। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले के वक्त में किसी भी चीज को डिटेल में स्टडी करना, रिसर्च करने के लिए या फिर उन्हें बड़ा करके देखने के लिए लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे उन्हें आंखों में बहुत प्रेशर पड़ता था और वो जितना डिटेल रिसर्च अभी कर पाते हैं वो पहले नहीं कर पाते थे। लोग इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए दो ग्लासेस के बीच में सामान रखकर या ग्लासेस को दो अलग अलग डायरेक्शन में रख के सामने को बड़ा करके देखने की कोशिश करते थे। उससे उनको सामान बड़ा होकर दिखता था, फिर भी बहुत दिक्कतें आती थी। धीरे धीरे कुछ साइंटिस्ट और लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए जुट गए। ये तो कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि पहले माइक्रोस्कोप कब बना, लेकिन सुनने में आता है कि एक रोमान फिलोसोफर ने लिखा था बर्निंग ग्लासेस के बारे में उनके आर्टिकल्स में। लेकिन फिर भी पहले प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लेट 1300s के पहले नहीं बना था, ये पक्की बात है। पहले लोग दो लेंसेस को एक ट्यूब के दोनों अपोजिट एंड्स पे रखकर उसे यूज करते थे इमेज को बड़ा करके देखने के लिए सामान का। ये सिंपल तरीके जो पिक्चर को मैग्नीफाई यानी बड़ा करने के लिए ट्यूब के थ्रू ने आज की वो इक्विपमेंट, इसे हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, उसे जन्म दिया। हमने देख लिया माइक्रोस्कोप का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस ट्यूब और ग्लासेस वाले मेथड से माइक्रोस्कोप बना, व्हेन एंड हाउ फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज इवॉल्व्ड, Which was the first microscope and who invented it? तो आइए जानते हैं इस बारे में। पहला microscope, the grinding glass, ये use होता था spectacles के लिए। When and how first microscope was evolved? Which was the first microscope and who invented it? पहले microscope था the grinding glass, ये use होता था the spectacles के लिए और magnifying glasses वो जो common जगह पर रखी जाती थी 13th सेंचुरी के दौरान। लेकिन लेट 16th सेंचुरी में बहुत सारे डच लेंस मेकर्स, मतलब जो लेंस बनाने वाले थे उस वक्त के, उन्होंने नया डिवाइस डिजाइन किया एज मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट। 1609 गैलीलियो गैलीली ने उन डिवाइसेस को परफेक्शन दी। यही परफेक्शन की हुई डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस को माइक्रोस्कोप बोला गया। डच स्पेक्टिकल्स मेकर जैकेरियस जैनसन एंड हैंस लिफर्शी वो दो लोग हैं जिन्हें द फर्स्ट मैन टू डेवलप, मतलब पहला इंसान जिन्होंने ये वाली माइक्रोस्कोप बनाई, उसका श्रेय दिया जाता है। ये वाले माइक्रोस्कोप का था नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसे इसी नाम से भी जाना जाता है। इनमें अलग साइजेस और तरह तरह की ग्लासेस लेंसेज के ट्यूब को अपोजिट एंड्स में रखा जाता है। इसी से उन्होंने डिस्कवर किया दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कैसे करना है। लेंस इम्प्रूवमेंट, बाद में 16th सेंचुरी लेंस की इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना स्टार्ट किया गया। एंटोन वैन लिवोशोर्ट ने लेंसेज को पॉलिश एंड ग्रेंड करना शुरू किया, पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस फॉर लेंसेज का यूज करके। तब उन्होंने डिस्कवर किया कुछ, बाद में 16th सेंचुरी लेंस की इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना स्टार्ट किया। एंटोन वैन लिवोशोर्ट ने लेंसेज को पॉलिश एंड ग्राइंड करना शुरू किया, पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस फॉर लेंसेज का यूज करके। तब उन्होंने डिस्कवर किया कुछ नए शेप्ड लेंसेज का जो इंक्रीज करते हैं इमेज की साइजेस। द ग्लास लेंसेज क्रिएटेड कुड एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स, इनकी लेंसेज की क्वालिटी ने इन्हें अलाउ किया पूरी हिस्ट्री में पहली बार टू सी मैनी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड इंटिक्रेट डिटेल सारे कॉमन और अनकॉमन ऑब्जेक्ट के। लिवोशोर्ट को द फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपी माना जाता है। ना ही सिर्फ फाउंडर बल्कि उन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी में। द
फिर एक्रोमेटिक लेंस आई थोड़ी और सुधार खोज और मेहनत के बाद। एक्रोमेटिक लेंस, आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। ये माइक्रोस्कोप इन यूज हुआ फॉर ओवर 100 इयर्स एटलीस्ट, करीब 100 साल तक यूज होने के बाद नेक्स्ट मेजर इम्प्रूवमेंट की खोज की जा पाई थी। पहले वाले माइक्रोस्कोप में लाइट रिफ्लेक्टेड होता था, जब लाइट पास की जाती थी लेंसेज से और अल्टर इमेज लगती थी और भी काफी सारी दिक्कतें आई। जब एक्रोमेटिक लेंस डेवलप्ड किया वो यूज होते थे इन आई ग्लासेस बाय चेस्टर मोर हॉल इन 1729। इसे द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप्स गॉट इम्प्रूव्ड। इन स्पेशल लेंसेज को यूज करके बहुत लोग कंटिन्यू करे थे टू इम्प्रूव द विजुअल एक्यूरेटी ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये था हमारे आज का टॉपिक। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि होगा लेंसेज के बाद मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट कैसे किया गया। तो आइए अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल मिक्स माइंड, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।